हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 12 ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, यानी जो आपका सिलेबस है, इसमें कई टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, तो उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर 12 हॉस्पिटल फार्मेसी का जो चैप्टर है, यानी उससे मिलता जुलता है, यानी जो हॉस्पिटल फार्मेसी में आपने चैप्टर पढ़े हैं, जो आपके रीनल फंक्शन टेस्ट और जो आपके यानी किडनी फंक्शन टेस्ट यानी लीवर फंक्शन टेस्ट जो आपने चैप्टर पढ़े हैं, तो उनसे आपके दोनों चैप्टर जो हैं मिक्स हैं। यानी जो टेस्ट आपने उसमें पढ़े हैं, वही टेस्ट आप इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो दोस्तों आप हॉस्पिटल फार्मेसी के जो चैप्टर पढ़े होंगे, उनसे आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। यानी उसमें आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज इन एबुलेशन ऑफ डिसीज स्टेट सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट, जिसमें आपने लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट ये सब पढ़े थे। तो दोस्तों, बिल्कुल सेम आपका चैप्टर है। अगर आपने उस चैप्टर को तैयार कर लिया, तो आपका ये वाला चैप्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। 199 में आपकी डी फॉर्म सेकेंड ईयर की जो भी PDF होंगी, आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, बात करते हैं ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में। सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर किडनी से रिलेटेड जो भी टेस्ट होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो किडनी के बहुत से फंक्शन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है हमने, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसका रेगुलेशन करना, उसको रेगुलेट करना। यानी किडनी हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने का वर्क करती है। यदि ब्लड में यूरिन का अमाउंट ज़्यादा है, तो उसको एस्क्रीट करने का वर्क करती है। एक आपका ये फंक्शन हो गया। सेकंड इसका होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने के साथ में ही ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का वर्क करती है, जो किडनी होती है। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH, किडनी हमारे जो ब्लड का pH होता है उसको मेंटेन करने का वर्क करती है। रेगुलेशन ऑफ रेनिन एंजाइम, यानी हमारी बॉडी में रेनिन एंजाइम के निर्माण में किडनी अपना रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, ये सब फंक्शन होते हैं किडनी के, सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अगर आप इनको एक बार पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और इसमें लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन, जैसे ब्लड के अंदर जो आयन्स की मात्रा को रेगुलेट करने का वर्क करती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी सब मात्रा को रेगुलेट करने का वर्क किडनी करती है। और उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, किडनी हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करती है। कैल्सिटेरोल हार्मोन जो होता है, वह किडनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये किडनी के कुछ फंक्शन होते हैं, सिंपल से वर्क होते हैं, जिनको हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। आप इसमें और फंक्शन ऐड कर सकते हैं, जो आपको पता हो सकते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये किडनी के सब आप वर्क लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका टॉपिक दिया गया है इसमें, जो किडनी होता है उसके जो भी टेस्ट होते हैं, उनके सिग्निफिकेंस और जो भी क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, उनके बारे में आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप सिंपल से उसके जो है यानी फंक्शन लिख देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो किडनी का यानी इंट्रो है, और उसके बाद उसके टेस्ट को डिफाइन कर देंगे। तो दोस्तों, अब बताते हैं आपको हम, यानी जो भी आपका रीनल फंक्शन टेस्ट है, जिसको कहा जाता है KFT टेस्ट, तो KFT टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और अच्छे से आपको जितने भी KFT के टेस्ट होंगे, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी जितने भी इससे किडनी से रिलेटेड टेस्ट होंगे, उनके बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है रीनल फंक्शन टेस्ट। तो रीनल फंक्शन टेस्ट को क्या कहा जाता है, KFT टेस्ट, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। जो हमारी किडनी होती है, किडनी किस तरीके से वर्क कर रही है, तो उसके लिए यानी उसके फंक्शन को चेक करने के लिए जिस टेस्ट को किया जाता है, उसको कहा जाता है रीनल फंक्शन टेस्ट।
यानी किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है और इसमें यूरिन या ब्लड का टेस्ट किया जाता है। जो हमारी बॉडी का यूरिन होता है या जो ब्लड होता है उसका टेस्ट किया जाएगा, और यदि यूरिन और ब्लड में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो उसमें नहीं होने चाहिए, यानी बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ब्लड और यूरिन में नहीं होने चाहिए, अगर वह सब्सटेंस यूरिन और ब्लड में होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, तो दोस्तों जिससे पता लगता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो इसको चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है जिसको कहा जाता है रीनल फंक्शन टेस्ट। और दोस्तों इसके लिए कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं और कुछ केमिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, जैसे कलर का चेक किया जाता है, यानी यूरिन का कलर को चेक किया जाएगा, ऑर्डर को चेक किया जाएगा, पीएच मान कितना है, यानी पीएच कितना होना चाहिए यूरिन का, 4.5 से 8 तक इसका पीएच होना चाहिए, टर्बिडिटी को चेक किया जाता है। तो ये कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं यूरिन के, और उसके बाद कुछ केमिकल एग्जामिनेशन करके किडनी के फंक्शन का पता लगाया जाता है कि किडनी किस प्रकार से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों इसमें पहले क्या पता लगाया जाएगा, यानी प्रोटीन, जो ग्लोबुलिन की मात्रा है वह 5 mg पर डेसीलीटर से कम हो यूरिन के अंदर, और एल्बुमिन की मात्रा कितनी हो, 30 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, और एबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज का लेवल है वह कितना होना चाहिए, नॉर्मल इस 0 से, यानी आपका 0 से लेकर 0.8 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए, यह आपका ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। और कीटोन बॉडीज, यानी 1 mg से कम कीटोन बॉडीज 24 आवर में एक्सक्रीट होनी चाहिए, यानी इससे ज़्यादा कीटोन बॉडी यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट नहीं होनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, बॉडी के बाहर नहीं जानी चाहिए। और ब्लड, यूरिन में ब्लड आना, यानी अगर यूरिन में किसी भी प्रकार से कोई भी कारण से अगर ब्लड आता है, तो दोस्तों जिससे पता लगता है जो किडनी है वह अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, किडनी अपना फंक्शन शो नहीं कर रही है। तो दोस्तों और उसके बाद ये कुछ टेस्ट है आपके केमिकल एग्जामिनेशन है यूरिन के, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों केमिकल एग्जामिनेशन में ही एक नेक्स्ट टेस्ट है यूरिन, जो आपका यूरिन को चेक करने के लिए, यानी हमारी बॉडी के अंदर यूरिन के लेवल को चेक करने के लिए, किडनी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, तो दोस्तों यूरिन ऑस्मोलैरिटी टेस्ट। तो दोस्तों यानी यूरिन ऑस्मोलैरिटी टेस्ट क्या होता है, यानी जो यूरिन पास आउट होता है उसके अंदर जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो भी यूरिन है उसके अंदर जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाने के लिए यूरिन ऑस्मोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज को लिखा है हमने 500 से 850 लिखा हुआ है मोल ऑस्मोलैरिटी पर केजी के हिसाब से, यानी इसकी नॉर्मल रेंज है 500 से 850 मोल लिखा हुआ है, फिर ऑस्मोलैरिटी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है पर केजी। तो दोस्तों ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है, आपको अच्छे से याद रखना होगा। और सिग्निफिकेंस, अगर ऑस्मोलैरिटी का लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद किडनी के फंक्शन को एवुलेट करने के लिए ब्लड के कुछ टेस्ट किए जाते हैं, यानी अदर टेस्ट भी किए जाते हैं, ब्लड के भी टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आपका पहला टेस्ट है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, यानी यूरिया और नाइट्रोजन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के द्वारा ऑब्टेंड होते हैं, यानी जब प्रोटीन का यानी मेटाबॉलिज्म होता है तब यूरिया और नाइट्रोजन ऑब्टेंड होते हैं, और ये लीवर के द्वारा ही फॉर्म्ड होते हैं। तो दोस्तों ब्लड के अंदर यूरिया और नाइट्रोजन का यानी लेवल चेक किया जाता है, अगर उनका लेवल सही होता है तो किडनी अच्छे से वर्क कर रही होती है, अगर उनका लेवल सही नहीं होता है तो दोस्तों किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी नॉर्मल रेंज लिखा हुआ है, यानी 10 से 12 mg पर डेसीलीटर लिखा हुआ है इसकी नॉर्मल रेंज, और सिग्निफिकेंस इनके क्या लिखे हुए हैं, यदि ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद एक टेस्ट और किया जाता है, ब्लड का टेस्ट किया जाता है क्रिएटिनिन टेस्ट।
तो दोस्तों क्रिएटिनिन टेस्ट क्या होता है? देखिए, जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो क्रिएटिनिन प्रोडक्ट बनता है, यानी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मेटाबॉलिज्म होता है तो क्रिएटिनिन प्रोडक्ट बनता है और किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होता है। और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होगी? 1 से 2 mg/dL। और यदि ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो यह इंडिकेट करता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी अपना फंक्शन सही से शो नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों किडनी से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, जो भी यानी किडनी के फंक्शन थे, जो भी टेस्ट थे, उसको हमने कंप्लीट किया। फिर आपके सिलेबस में यानी लीवर के बारे में पूछा गया है कि लीवर से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं उनके टेस्ट आपको बताने हैं, और लीवर के क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बताते हैं फंक्शन ऑफ लीवर, यानी लीवर के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जो लीवर होता है वह अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो लीवर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, पहला इसका ये फंक्शन हो गया। और उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, यानी लीवर जो होता है वह प्रोटीन और लिपिड के जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर उसमें अपना रोल प्ले करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं यदि कोई पर्सन उनको खा लेता है तो लीवर टॉक्सिक सब्सटेंस की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको कम करने का वर्क करता है, यानी जो लीवर होता है उसका वर्क डिटॉक्सिफिकेशन का भी होता है। और उसके बाद फोर्थ वाला इसका फंक्शन है स्टोरेज, ये ग्लाइकोजन और फैट सोल्युबल विटामिन जो होती हैं, यानी जो ग्लाइकोजन होता है, जो फैट सोल्युबल विटामिन होती हैं, जो मिनरल होते हैं उनको स्टोर करने का वर्क करता है। फेगोसाइटोसिस, जो RBC WBC ओल्ड हो जाती हैं उनको ये डाइजेस्ट करने का वर्क करता है जो लीवर होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया के फॉर्मेशन में भी लीवर जो होता है अपना रोल प्ले करता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, और उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन हो गया, और उसके बाद फाइब्रिनोजन हो गया। तो दोस्तों इनके निर्माण में लीवर अपना रोल प्ले करता है, यानी लीवर इनका निर्माण करता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, यूरिया होता है, इनका निर्माण करता है। तो ये आपके मेन फंक्शन हो गए लीवर के। वैसे लीवर के आपके बहुत से फंक्शन होते हैं, यानी फूड को डाइजेस्ट करने में और अदर एसिड को सिक्रीट करने में जो है लीवर अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो लीवर के बहुत से फंक्शन होते हैं, अगर आपको पता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं पता है तो दोस्तों इतने आप फंक्शन को स्टार्टिंग में लिखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों लीवर से रिलेटेड जो भी यानी टेस्ट होंगे उसको आप कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो लीवर वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसको LFT टेस्ट कहा जाता है, यानी लीवर के बहुत से टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि लीवर के डिसफंक्शन को चेक किया जा सके, यानी लीवर अगर हमारा सही से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनको कहा जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपके बहुत से टेस्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा है जैसे सीरम बिलरुबिन टेस्ट किया जाता है, सीरम यानी जिसको कहा जाता है प्लाज्मा, यानी सीरम प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है, और एल्केलिन फॉस्फेटेज का टेस्ट किया जाता है जिसको ALP कहा जाता है। तो दोस्तों लीवर के फंक्शन को चेक करने के लिए कि लीवर हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है, सही से वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है, तो इसको चेक करने के लिए जो टेस्ट किए जाएंगे तो दोस्तों उन्हीं को कहा जाएगा लीवर फंक्शन टेस्ट। तो जो लीवर होता है उसको चेक करने के लिए बहुत से टेस्ट किए जाते हैं, जिन टेस्ट को हमने डिफाइन किया है, जो आपके इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे सीरम बिलिरुबिन टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों सीरम आपका क्या होता है? यानी ब्लड प्लाज्मा, यानी जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वह आपका सीरम होता है। और यानी बिलिरुबिन कैसे बनता है? यानी जब RBC टूटती हैं तो दोस्तों RBC के टूटने पर एक पिगमेंट बनता है जिसको बिलिरुबिन कहा जाता है। तो दोस्तों यानी जब हीमोग्लोबिन टूटता है तब बिलिरुबिन बनता है, यानी हीमोग्लोबिन के टूटने से या RBC के टूटने से बिलिरुबिन बनता है, और बिलिरुबिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है। दोस्तों यह अधिक मात्रा में अगर बनने लगता है तो इससे पता लगता है तो दोस्तों कि हमारा जो लीवर है वह अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, यानी बिलिरुबिन का अधिक बनना लीवर का एक डिसफंक्शन हो सकता है।
तो बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो दोस्तों जो यानी बिलिरुबिन आपका होता है भाई, अगर प्रोटीन के साथ मिला हुआ है तो उसको कहा जाएगा डायरेक्ट बिलिरुबिन, और जो प्रोटीन के साथ मिला हुआ नहीं होता है उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो दोस्तों इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की यानी मात्रा कितनी होती है, यानी 0.3 से 1.3 mg पर डेसीलीटर होती है। और उसके बाद डायरेक्ट बिलिरुबिन यानी 0.1 से 0.4 mg पर डेसीलीटर इसकी मात्रा होती है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या लिखा हुआ है, देखिए बिलिरुबिन का हाई लेवल इंडिकेट करता है कि हीमोलिसिस हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। दोस्तों यानी इसकी अगर ज़्यादा मात्रा होगी हमारी बॉडी के अंदर तो हीमोलिसिस हो जाएगी, यानी आरबीसी बहुत अधिक मात्रा में टूट रहे हैं इससे पता लगेगा, और दोस्तों जॉन्डिस हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका लीवर का यानी फंक्शन चेक करने के लिए ये आपका फर्स्ट टेस्ट था। तो इसकी रेंज जो भी होगी आपको पढ़ना होगा, इंट्रो इसका पढ़ना होगा और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना होगा। फिर बात करते हैं सीरम यानी प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट। तो इस टेस्ट में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, जो आपका ग्लोबुलिन होता है प्रोटीन होता है, एक एल्बुलिन और एक होता है ग्लोबुलिन, इसका लेवल को चेक करने के लिए जिस टेस्ट का यानी जो टेस्ट होगा वह परफॉर्म किया जाएगा उसको सीरम प्रोटीन टेस्ट कहा जाता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन और ग्लोबुलिन पाई जाती है, तो दोस्तों इसके लेवल को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा उसको सीरम प्रोटीन टेस्ट कहा जाता है। और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज होगी आपकी यानी 3.5 से 5.1 ग्राम पर डेसीलीटर होगी, और ग्लोबुलिन की कितनी मात्रा होगी, 1.8 से 3.1 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी मात्रा होती है सीरम, जो आपका प्रोटीन टेस्ट है जिसमें एल्बुलिन और ग्लोबुलिन की मात्रा को हमने लिखा है। और उसके बाद सिग्निफिकेंस इसमें क्या लिखा है, अगर टेस्ट में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का लेवल ज़्यादा है, अगर आपने टेस्ट किया और टेस्ट में आपका जो है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की मात्रा ज़्यादा निकलती है तो लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें आपका यानी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं कि लीवर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। और उसके बाद यानी डिक्रीज लेवल इंडिकेट, अगर ग्लोबुलिन और एल्बुमिन की मात्रा कम है, आपने टेस्ट किया और इसकी मात्रा कम निकली, तो इससे पता लगता है कि पर्सन को एडिमा हो सकता है, हीमोरेज हो सकता है। तो दोस्तों ये आपका टेस्ट था प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट। और उसके बाद लीवर के फंक्शन को चेक करने के लिए एक टेस्ट को हमने और डिफाइन किया है, वह आपका है एल्कलीन फॉस्फेटेज टेस्ट। यानी एल्कलीन फॉस्फेटेज टेस्ट क्या होता है, देखिए यह एक प्रकार का एंजाइम होता है जो लीवर, बोन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी में पाया जाता है। इसका वर्क होता है कि किसी कंपाउंड से फॉस्फेट ग्रुप को निकालना, यानी जो फॉस्फेट ग्रुप होता है किसी भी कंपाउंड से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल कर उसको बॉडी के मेंटेनेंस में लगाना, यानी बोन्स में, यानी बोन्स के मेंटेनेंस में लगाना, तो ये इसका वर्क होता है। और इसकी नॉर्मल रेंज कितना होता है, 29 से 92 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इसकी यानी नॉर्मल रेंज होती है। और इसका अगर हाई लेवल हो जाता है एल्कलीन फॉस्फेट का, तो दोस्तों ये क्या इंडिकेट करता है, यानी पर्सन को रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ टेस्ट थे आपके लीवर के, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं उसके बारे में बताया, और जो उसमें इम्पॉर्टेंट टेस्ट थे उनको हमने कवर किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आपका जो चैप्टर नंबर 12 है बायोकेमिस्ट्री का ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, इसमें जितना भी इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था पूरा एक ही वीडियो में कवर किया और पूरा चैप्टर आपका कम्प्लीट हो गया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।